नमस्कार, मैं सनी तुसीर और ये सीधी लाइव तस्वीरें मैं आपको नरेला औद्योगिक क्षेत्र से दिखा रहा हूँ। नरेला औद्योगिक क्षेत्र में एक के बाद एक दो दो कंपनियों में आग लग गई है, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की लगभग 5 से 7 गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी है। ये सीधी लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से फायर ब्रिगेड के कर्मचारी लगातार आग को बुझाने में लगे हुए हैं। बताया जा रहा है कि इस कंपनी में प्लास्टिक का काम होता था और उसी प्लास्टिक में आग लगी है और अब फायर ब्रिगेड के कर्मचारी लगातार आग को बुझाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। फिलहाल आग पर अभी तक जो है फायर ब्रिगेड का कहना है कि काबू पा लिया गया है, जिसकी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से नरेला में लगातार जो है वो कंपनियों में आग लगने का सिलसिला जारी है और गर्मी अपनी प्रचंड पर है। और ये सीधी लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से नरेला में एक के बाद एक लगातार जो है वो प्लास्टिक की कंपनियों में आग लग रही है। सिलसिला जो है वो आग लगने का लगातार जारी है। ये देख सकते हैं किस तरीके से फायर ब्रिगेड के जो गाड़ियां आपको नज़र आएगी, दिल्ली पुलिस के अधिकारी आपको नज़र आएंगे। ये सीधी लाइव तस्वीरें नरेला के औद्योगिक क्षेत्र से हम आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं। अभी फिलहाल नरेला के औद्योगिक क्षेत्र के डी ब्लॉक में ये आग लगी है और अब तक फायर ब्रिगेड के द्वारा इस आग पर काबू पा लिया गया है। फायर ब्रिगेड की लगभग 5 से 8 गाड़ियां जो है वो यहां पर पहुंच चुकी है। देखिए सीधी लाइव तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लगातार नरेला औद्योगिक क्षेत्र में आग लगने की घटनाएं जो है वो बार बार सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि किसी भी कंपनी के पास फायर की कोई भी NOC नहीं है, सिर्फ गिनी चुनी कंपनियों के पास ही फायर की NOC है और इसी के कारण ही आग इतना प्रचंड रूप धार लेती है कि आग लगातार पूरी कंपनी को अपनी चपेट में लेती है। खुद कंपनी को तो चपेट में लेती है, साथ साथ आसपास की कंपनियों को भी चपेट में ले लेती है। ये देख सकते हैं 5 से 8 गाड़ियां मौके पर मौजूद है और लगातार आग को बुझाने की यहां पर कोशिशें जो है वो की जा रही है। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं कि किसी भी प्रकार की कोई ऐसी आपत्ति ना आए, कि किसी भी प्रकार से जो है वो कंपनी के अंदर लेबर मौजूद ना हो जो कार्य कर रही हो, जिससे कोई बड़ी घटना जो है वो ना हो जाए। तो देख सकते हैं किस प्रकार से लगातार जो है वो दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद है, फायर ब्रिगेड के अधिकारी भी मौके पर मौजूद है और लगातार आग बुझाने की कोशिशें की जा रही है, जिसकी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। Oh.